एक साथ प्यार से खड़े हैं। ये हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता, किसी से नहीं डरता, एक इंच पीछे नहीं हटता और देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। अच्छा, मुझे कहा पार्लियामेंट में कल, कहा राहुल जी, सुनिए पार्लियामेंट में कल कहा बीजेपी के लोगों ने, आपने भाषण दिया, भाषण के लिए माफी दीजिए। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगूं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है, नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है, और उनके जो असिस्टेंट है अमित शाह, उनको देश से माफी मांगनी है। क्यों मांगनी है मैं आज आपको बताने आया हूं। सबसे पहले ये देश की शक्ति, इस देश की आत्मा, इस देश की शक्ति इसकी अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था है नहीं थी। पूरी दुनिया हमारी ओर देखती थी, कहती थी ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, ये देश अलग अलग धर्मों का देश, अलग अलग जातियों का देश, अलग अलग विचारधाराओं का देश मिलकर एक साथ 9% जीडीपी पर कैसे चल रहा है। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ हिंदुस्तान। चिंडिया बोलते थे, चिंडिया, चाइना और इंडिया, दुनिया का भविष्य चाइना और इंडिया। और ये देखिए, ये प्याज पकड़े हुए हैं आज, ये प्याज पकड़े हुए हैं आज 200 रुपए। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी ने स्वयं अकेले नष्ट कर दी, खत्म कर दी। आपको याद होगा 8 बजे रात को टीवी पर आए, भाइयों और बहनों 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट मैं रद्द करने जा रहा हूं, और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने ऐसी चोट मारी कि आज तक जो नुकसान हुआ वो ठीक नहीं हुआ। आपसे झूठ कहा, काले धन के खिलाफ लड़ाई है, काले धन को खत्म करना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, झूठ कहा। माताएं बहनों के घरों से, जेब से, युवाओं के जेब से पैसा निकाला और लाखों करोड़ रुपए अदानी और अनिल अंबानी के हवाले किए। उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स, मनमोहन सिंह जी ने कहा, चिदंबरम जी ने उनसे कहा इसको आप बिना पायलट प्रोजेक्ट मत लागू कीजिए, देश का नुकसान हो जाएगा, जो हमने बनाया है पूरे देश ने प्यार से, खून पसीने से अर्थव्यवस्था खड़ी की है, नष्ट हो जाएगी। नरेंद्र मोदी कहते हैं नहीं,
मैं तो 12 बजे रात को गब्बर सिंह टैक्स लागू करके ही दिखाऊंगा। कर दिया। और हुआ क्या, 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज। क्या 9% जीडीपी ग्रोथ रेट होती थी, आज 4% पे पहुंच गए हैं। और वो भी उन्होंने जीडीपी नापने का तरीका बदला, जीडीपी नापने का तरीका बदल दिया। तो अगर आप हमारे तरीके से, पुराने तरीके से जीडीपी नापो, तो आज 2.5% जीडीपी ग्रोथ रेट है हिंदुस्तान का।